तो अभी आप ये देख सकते हैं, लॉक लग गया, मैं सेल्फ मारता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप क्या सब बहुत अच्छे। तो गाइस, मैंने अपनी जो एक्टा 125 का ना, यहाँ पे इसका एक तो लॉक नहीं आता, एक तो पहले जो BS चाहिए थी तब इसमें बहुत सारी कमियाँ थी, तो और इसके पीछे वाले ब्रेक से गाड़ी चालू होती थी पर आगे वाले ब्रेक से गाड़ी चालू ही नहीं होती थी। तो पता नहीं क्या कंपनी ने BS थी निकाली, तब कंपनी ने इसको चेंज नहीं किया, फिर BS4 में इसको रेक्टिफाई कर लिया और अभी ये इसका पूरा चेंज करना आगे का पूरा। तो मैं यहाँ पे ये सुजुकी का ले आऊँ, ये पुराना वाली गाड़ी का आती थी ना जो अपनी जो 125 में, उसका ले आऊँ ये पूरा। ये मेरे को अप्रॉक्स 300 रुपीज़ का पड़ा, आप ये देख सकते हैं, और अभी इसकी प्राइस 314 हो गई है। और इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसके ना ये पूरा ये यहाँ से कसता है इधर, और जबकि अपने हीरो में क्या होता है कि अंदर हैंडल पे ही एक होल दिया जाता है, उसके अंदर ये फंस जाता है और फिर ऊपर से ऐसा लग जाता है, और फिर अगर बाई चांस वो होल बड़ा हो गया ना तो फिर ये ऐसे हिलता रहता है इसमें ये वाला छेद। जबकि अपने जो सुजुकी में ऐसा होता है कि इसके बगल में लगा के यहाँ से नट कर दो, और अपने TVS में क्या होता है इसके हैंडल के ऊपर के सिर्फ ऐसे दो छेद होते हैं ऐसे, मैं आपको भी आगे जाके दिखा दूंगा। तो अभी मैं पूरा इसका पूरा कांच ये खोल लेता हूँ, और ये अपने एक्सेस के मिरर लगे यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं पूरा जल्दी से खोल लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद करते हैं कंटिन्यू। तो आप सामने ये देख सकते हैं मैंने पूरा खोल लिया, और इसके यहाँ पे एक ही नट लगा रहता है, एक ही नट लगा रहता है, एक सामने लगा रहता है ये तीसरा नट, और एक ये चौथा नट इसके यहीं पे लगा रहता है ये रहा यहाँ पे, तो चार नट, और आगे एक ये हेडलाइट के ये नीचे रहता है वो इसके यहाँ पे लगा, तो ये पाँच नट खोलने के बाद पूरा बाहर आ जाएगा। और ये सेम अपना 2G 3G 4G 5G में रहता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, पहले तो आपको ये खोलना है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ना एक यहाँ पर आपको एक होल दिख रहा होगा, ये भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या था, पहले सिर्फ ये रियर ब्रेक से चालू होती, तो मैंने इसमें क्या किया, दो जो लाइट के वायर है ना उनको मैंने एक इसमें जोड़ दिया, ये ग्रीन और येलो वायर है और एक ये ब्लैक वायर है, और फिर उसी से पीछे की वायर से एक तार एक्सटेंड करके इसके सेल्फ के यहाँ घुसा दी यहाँ पे इधर, ये दोनों इसके सेल्फ के आ रहे हैं, ये दोनों जिस पे लगे इधर, ये दोनों देख सकते हैं, अब इनमें घुसा दी। तो अब क्या पीछे वाला ब्रेक दो तो भी चालू हो जाती है, आगे वाला ब्रेक दो तो भी चालू हो जाती है, ठीक है। और क्या पहले जब ये इससे चालू होती थी ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसको दबाना पड़ता था, उसके बाद सेल्फ रहती थी, क्योंकि इसका ये लॉक पीछे का था तो उसको बहुत सा दबाने के बाद फिर वो एक्टिवेट होता था यहाँ से, फिर जाके चालू होती थी। और ये इसका अपनी एक्टो 125 में डिजिटल मीटर आता है, मैंने अभी एक और मीटर, दूसरा मीटर मैंने ढूंढ के रखा है, उसका अगर वीडियो आप बोलोगे तो मैं नीचे बना दूंगा। मैंने पहले भी एक एक्टिवा के लिए डिजिटल मीटर बताया था, मैं वही बता दूंगा कौन सा आप फिर ले सकते हैं उसको। और ये इसका वायरिंग का पूरा, अगर आपको इसका वीडियो नहीं देखा वायरिंग का तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। और जो दूसरा मीटर ना उसमें सिर्फ आपको 10 से 12 वायर जो जोड़नी है दूसरे मीटर की, उसमें सिंपल रहेगा सिर्फ नीचे से जो स्पीड का रहेगा उसको लगाना है, और 10 से 12 वायर जोड़नी है, दो तो अपनी इंडिकेटर की होगी, एक हाई बीम की होगी, ठीक है, तीन तो यही होगी, बाकी सब अपन आगे ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन जल्दी से ये खोल लेते हैं इसका ये वाला नट, और मैं आपको दिखाता हूँ। और अपने TVS में कहा था ये ऊपर की साइड ना ये इतना पार्ट इससे लगा रहता है और नीचे का खुला हुआ होता है, तो इसके यहाँ पे TVS में दो घुस जाते हैं, उसका जाके हो जाता है। अब TVS को लेने के मेरे को इसमें होल कराना पड़ता है, मैंने पहले छोड़ दिया, तो अभी जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ, और ये वायरिंग इसकी फिर से मेरे को करनी पड़ेगी, तो मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। सामने ये देख सकते हैं कि ऐसा निकला है, और इसके यहाँ पे ये ऐसे में लगा रहता है इसके यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा लगा रहता है, आप देख सकते हैं। और मैं इसका होल भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है, इधर ये रहा, आप देख सकते हैं कि सामने देख सकते हैं इसके यहाँ पे 8 नंबर का ये नट लगा हुआ, और ये लगभग सारी गाड़ियों में सेम होता है, अपनी सुजुकी में सेम है, पुराने वाले मॉडल में, और अपने हीरो में सेम रहता है, होंडा के इसमें सेम रहती है, देख सकते हैं। और ये रहा इसका 8 नंबर का, और अभी आपको सिंपली इसको सिर्फ ऐसे करके ये निकाल लेना है वायर को इसको यहाँ से बीच में, तो इसको सिंपली ऐसे कर लेना है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका पूरा वायर निकाल लिया है, तो ये आप सामने ये देख सकते हैं ये पूरा लग गया है, और इसका पूरा हैंडल मेरे को निकालना पड़ा, और ये हैंडल सामने पड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये पीछे की लाइट चालू है, मैं तो आप ये देख सकते हैं, और अभी इसका ये लॉक भी लग रहा है, तो आप ये देख सकते हैं इसका लॉक भी लग रहा है, और एक बार इससे चालू भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप ये देख सकते हैं लॉक लग गया, मैं सेल्फ मारता हूँ, तो ये देख सकते हैं अभी बैटरी डाउन है इसलिए अभी सेल्फ नहीं लग रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो अब मैं जल्दी से इस पूरे को पैक करता हूँ, फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आप सामने ये देख सकते हैं ये पूरा लग गया, और ये मेरे को
जो हत्था बोलते हैं इसको, ये 20 रुपये का मेरे को पड़ गया और ये पूरा लग गया, आप पूरा देख सकते हैं। और काफ़ी सिंपल था, मतलब वैसे आपकी गाड़ी में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके में कॉम्बी ब्रेक आता है। एक्टिवा के सारे 2G, 3G, 4G, 5G सब में कॉम्बी ब्रेक आता है, पर क्या एक्टिवा 125 है ना, BS3 में जब आई थी तब उसमें ये प्रॉब्लम हुआ, और सेम अपने जो एविएटर BS3 में आई तो उसमें सेम प्रॉब्लम हुआ ऐसा ही, वो फ्रंट ब्रेक से चालू नहीं होगी और यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने इसके लिए पूरा सेटअप किया है अपने एविएटर और एक्टिवा 125। ग्रेजिया में ये नहीं होगा, तो आप ये पूरा देख सकते हैं, और इसका ये लॉक भी काम कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। मैंने इसलिए चेंज क्योंकि फिर मैं अगर फिर से वही लगाता ना जो इसका वो आता है लीवर ब्रैकेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये अपना सिर्फ ये लीवर ही जो होंडा का आता है एक्टिवा 125 का BS3 में, तो इसकी प्राइस ये 260 रुपये थी 2018 में, अब तो और महंगी हो गई। अगर पैसे तो बहुत कम मिलेगा क्योंकि अब BS4 में पूरा डब्बा आने लगा जो कॉम्बी ब्रेक का, जो पहले एक्टिवा में आता था। तो आप ये देख सकते हैं, अब मेरे को बार बार इसका ये बदलना नहीं पड़ेगा, पूरा टाइट हो गया और मेररे को साथ में लॉक भी मिल गया, 300 रुपये पूरा हो गया। बस इसका ये थोड़ा पतला है और आप ये देख सकते हैं कितना मोटा है, तो इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी, फिर बाद में टाइम के संग एडजस्ट हो जाता है। और अभी मैं अपनी एक्टिवा की बैटरी भी चेंज करने वाला हूँ, तो आप लोग बताना कौन सी बैटरी मैं लूँ, क्योंकि मैंने एक बार चार्ज कर दी उसके बाद कुछ दिन चली फिर अभी वीक हो गए। 2016 की बैटरी तो 4 साल अप्रॉक्स हो गए। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी पूछना तो नीचे कमेंट कर देना। तो बस सर आज के तो यही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसे ऑटोमेटिक लाते रहते हैं। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।